बिग बॉस भी कमाल करते हैं, जो रियल रिश्ता है उसको कॉन्स्टेंटली बार बार टारगेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपका रिश्ता रियल कैसे हो सकता है, आप रियल कैसे हो सकते हैं, क्या बाहर कुछ था, क्या बाहर नहीं था, आप तो फेक लग रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जो फेक रिश्ता है, जिस रिश्ते का सर ना पैर ना हाथ ना कुछ भी, उस रिश्ते को आप वैलिडेट करने में लगे हुए हैं। अब ऐसे में वो रिश्ता खुद ही टूटने की कगार पर आ गया है और उस रिश्ते ने खुद एक दूसरे को एक्सपोज कर दिया है। टीना लगातार ये कहती रहती है कि मेरा शालिन के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, मेरा शालिन के साथ कुछ भी नहीं है। लेकिन शालीन भी दूसरी तरफ अच्छे मूड में तो टीना को काफी सपोर्ट करते हैं, काफी अच्छे रहते हैं, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है, जहां गुस्सा आता है, वहां उनका ये वाला रूप भी सामने आता है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त शालीन और प्रियंका एक हो गए हैं और उन्होंने मिलकर टीना के गेम को क्रैक किया है और टीना को डिकोड किया है कि आखिर टीना कैसे स्ट्रैटेजीज घर में खेल रही हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, लाइव फीड की ये फुटेज है। टीना को भी मंडली चाहिए वोट्स के लिए, सीधा सीधा गेम की बात है यहाँ पर। खेल खेल रही है वो, जो बोला एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लंबा खेल सर, वो मेरी फीलिंग से तुम डिसाइड मत करो, कम से कम खड़ी तो रही ना सामने। तुमने क्या असली रूप लिया बाहर आने के बाद है ना। टीना को भी मंडली चाहिए वोट्स के लिए, सीधा सीधा गेम की बात है यहाँ पर। खेल खेल रही है वो, जो बोला एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लंबा खेल सर, वो मेरी फीलिंग से तुम डिसाइड मत करो, कम से कम खड़ी तो रही ना सामने। तुमने क्या असली रूप लिया बाहर आने के बाद। एक बार नहीं बल्कि प्रियंका ने कई बार ये बात बोली कि टीना को वोट बैंक चाहिए। अब आपको याद दिला दूं कि यही बात प्रियंका के लिए कही गई थी, यही बात सौंदर्य अर्चना कह रहे हैं प्रियंका के लिए कि इसने जाकर उनका साथ दिया क्योंकि इसको वोट बैंक चाहिए, इसने जाकर उनका साथ दिया क्योंकि इसको वोट्स चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन अब यही बात जो है लागू हो गई है टीना पर, क्योंकि टीना ने स्टैन का साथ दिया। देखिए मतलब अर्चना और शिव की लड़ाई में दोनों को बिठाकर ये नहीं पूछा गया कि विक्टिम कौन है, वहां पर सीधा सीधा विक्टिम शिव थे और अर्चना गलत करने वाली महिला थी। लेकिन इस केस में शालीन और स्टैन को बिठाकर पूछा गया कि विक्टिम कौन है और सामने जवाब ये आया कि दोनों ही नहीं है, दोनों की ही गलती है, दोनों में से ही किसी की गलती नहीं है। अगर गलती है तो दोनों की है, नहीं है तो दोनों की नहीं है, टीना के हिसाब से एटलीस्ट। सो टीना ने अपनी तरफ से जो जजमेंट दिया वो बहुत लोगों का हजम हुआ नहीं। ऐसे में प्रियंका और शालीन मिलकर टीना की बुराई कर रहे हैं। फिर एक बार दिखा देते हैं आपको दिखाने में क्या जाता है। टीना को भी मंडली चाहिए वोट्स के लिए, सीधा सीधा गेम की बात है यहाँ। खेल खेल रही है वो, जो बोला एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लंबा खेल सर, वो मेरी फीलिंग। सो आपने क्लियरली देखा कि कैसे शालीन भी इस बात पर अग्री कर रहे हैं और शालीन भी टीना के गेम को डिकोड कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे, क्या ये सच में प्यार है, बताइएगा।